अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ईदुल अदा की सब मोमिन मुसलमानों को ढेरों सारी मुबारकबाद। तो देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आई होप कि मैं ये व्लॉग आप लोगों को ईद के दिन ही डालूंगी शायद। ये रात का प्रिपरेशन है। सलमा, ईद मुबारक कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। यस, तो सलमा क्या कर रही हैं आप? मैं ऑनियन को फ्राई करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ये रेसिपी जल्द ही आप लोगों को मिलेगी। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ऑनियन फ्राई करने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए थोड़ी बहुत जो है झलकियाँ हमारी, हम क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती जाऊंगी क्लिप में इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, और फिर से एक बार सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और ये देखें, हमारी रात से ही जो है तैयारियां स्टार्ट हो गई थी। तो जो कुछ सलमा को इन एडवांस में चाहिए था, जो वो प्रिजर्व कर सकती थी, वो सलमा और मैं कर रहे थे। तो और ये हमारी बेबी मुर्गी भी आ गई, और उसके सारे मसाले आप आगे आगे रेसिपी देखते जाओगे, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। ये देखिए, हमने बेबी मुर्गी को ले लिया है, और सलमा बताएं क्या कर रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से कट मार लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हाजिरा होल चिकन बिरयानी, दम बिरयानी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फुल चिकन लिया हुआ है, और इसको अच्छे से हम कट देंगे ताकि हमारा जो मसाला है मैरिनेशन का अच्छे से लग जाए। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको कट लगने के लिए, जहाँ पे भी स्पेस है, अच्छे से कट मार लीजिए ताकि आपका मसाला जो है अच्छे से लग जाए। तो देखिए, हमारा ये ईद की जो है स्पेशल थी, है ना? हाँ, ईद स्पेशल, मतलब बकरीद स्पेशल, ईद उल अधा स्पेशल, जो भी कहें आप। जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल होगा अच्छे से कट। देखिए, मैं भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कट होगा तो अच्छे से कट मार लेंगे। और हम ये रात में ही मैरिनेट कर रहे हैं गाइस। हाँ, अगर आप इमीडिएट बनाना है तो आपको मिनिमम एक घंटा आपको इसको मैरिनेशन के लिए रखना पड़ेगा ही। अभी हम ओवरनाइट रखेंगे। और आप देख सकते हैं, हमने सारे अच्छे से कट लगा लिया है। आप देख सकते हैं, सब जगह जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है हमने कट लगा लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट बिरयानी पॉट में ही मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं, क्योंकि जो भी मसाला है वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, मैरिनेशन पॉट में ही करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, दही में, देखिए अगर आपका दही गाढ़ा है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो उसको आप मलमल के कपड़े में भी रख के ले लीजिए, या छन्नी में। हाँ, छन्नी में, किसी में भी, ताकि आपको इसमें अच्छे से गाढ़ा दही मिले। अभी कुछ नहीं, इसको अच्छे से मालिश देना है, मसाज। हाँ, बेबी मुर्गी का मसाज हो रहा है। हाँ, अंदर बाहर सब जगह से। हाजिरा, आज आपको हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि yes. मेरे हाथ दोनों गंदे हैं। ओके, जो भी मैं मसाला बोलूंगी आपको डालना पड़ेगा। श्योर माय लॉर्ड। हाँ, अगर आप चाहें तो ग्लव्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ अभी। हाजिरा, आप मुझे शिमला मिर्च, पहले आप हाजिरा सारे मसाले बता दीजिए ताकि ये आसानी हो। ओके, लेट मी गो थ्रू विद इट। हमने लिया है हैंडफुल धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये जो है लाल मिर्च पाउडर, और हल्दी, और ये सारे खड़े मसाले, जैसे मैं बता दूँ, सॉरी वो डाल दीजिए, बता। ओके, इलायची, हमने फिर काली मिर्च ली है, शाजीरा लिया है, लौंग लिया है, और फिर दो हरी इलायची, और एक छोटू सा दालचीनी, और एक जावित्री फूल का छोटा सा टुकड़ा, है ना सलमा? हाँ, इतना ही ना? हाँ हाँ जी, इसको सारा आपको कूटना पड़ेगा। सीरियसली? हाँ। ओके, तो ये गया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे तो नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक एक फुल हमने जो है टेबल स्पून लिया है, और ये लेमन मैंने बहुत मेहनत से स्क्वीज किया है, यस लेमन, और शिमला मिर्च। सलमा, हेल्प मी आउट विद दिस। गरम मसाला पाउडर, यस गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, सॉरी क्या है वो, चाट मसाला, यस चाट मसाला, बिरयानी मसाला, काली मिर्च पाउडर, वाइट पेपर पाउडर,
देन जीरा पाउडर, चाट मसाला, मैंगो पाउडर, सो सॉरी गाइस, मैंगो पाउडर. फाइनली ये जो है हमने टेस्ट, वाइट में दिख नहीं रहा है देखें, और ये हम टेस्टिंग कहते हैं, ऑप्शनल है. हाँ, अगर चाहते इसको बोलते क्या है एक्चुअल में, टेस्टिंग पाउडर यहाँ पे तो टेस्टिंग पाउडर बोलते हैं, पता नहीं एक्चुअल में क्या बोलते हैं. अरे इसमें एक चला गया, इट्स ओके. तो टेस्टिंग पाउडर है, और क्या दिखाना था सलमा मुझे, फ्राइड. हाँ onion. ये देखिए फ्राइड अनियन बरिस्ता जो भी है, इतने प्यारे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत मतलब ऐसे ही मुंह में डाल दिए हैं. हाँ तो ये जो भी मसाले से हाजिरा मुझे डाल दीजिए, वन बाय वन सारे. सारे हाँ, एट अ टाइम. तो पहले इसको डाल दूं. हाँ ओके चलो. इसकी जान और शान क्या है, शिमला मिर्च पाउडर. ये गया, देन पूरा. हाँ सारे डाल दीजिए. बिस्मिल्लाह. ओके और नमक पूरा. हाँ पूरा नहीं, पूरा नहीं, मेरे हाथ में डालिए. क्या हल्के से. हाँ डालिए डालिए. और ये तो पूरा ही गया, और थोड़ा. आ जा बाबा. हाँ बस बस, एक दूसरा बच्चा है. ओके ये हो गया. और ये हल्दी मिर्च पाउडर. ओके डाल दीजिए वो भी सारे. ओके अरे मुझे स्पून की मदद लेनी पड़ेगी, एक मिनट मैं ही ले लेती हूँ. हाँ जो भी बना रहे हैं अगर हाथ से कर रहे हैं तो इमीडिएट आपको हाथ धोना पड़ेगा कंपल्सरी. और इसको मुझे कूटना पड़ेगा ना. हाँ तो चलिए इसको इसमें डाल लेते हैं, एंड लेट्स कूटिंग. अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के हाजिरा मुझे. ओके इसको रखते हैं साइड में. लेमन. हाँ लास्ट में, लास्ट में जाएगा. ओके ओके सलमा आप इसको ले लो सारा. हाँ छोड़ो छोड़ो. तो चलिए अब हम इसको एक जो है हाँ कूट लेते हैं. मैं लस्सी डाल लेती तो अच्छा था, है ना हाजिरा. यस एक्चुअली मिलते हैं हम इसके कूटने के बाद. एंड सी गाइस इतना जो है एक मतलब हल्के से हाथों से मैंने इसको कूट लिया है, तो ये भी जाएगा. और हमारा हरा धनिया पुदीना सब डाल दीजिए हाजिरा. ओके आज धनिया गाइस इतना ज़बरदस्त मिला है, और आपको बता दूं मुझे इतना पसंद है ना धनिया, अगर मुझे कुकिंग में आप बेहतरीन धनिया दे दो तो मैं आराम से ना कुकिंग कर लूँगी, मतलब इतना दिल को छू जाता है. बहुत प्यारा धनिया मिला था, है ना सलमा. हरी मिर्च एकदम फ्रेश फ्रेश, और ये सारा जो है धनिया पुदीना और हरी मिर्च बहुत फ्रेश मिला था सब. मतलब बरसात के मौसम में इतना अच्छा वाला फ्रेश, मतलब हाँ, गंदा वाला नहीं था. नहीं था, थोड़ी भी मिट्टी नहीं थी. मतलब ये जो हमारा धनिया पत्ता है, कोथिमीर है, और मिर्ची भी सारे ऐसे ही स्लिट्स वाले. हाँ. ओके देखिए बस एक ऐसा स्लिट लिया है. हाँ बस एक ऐसा स्लिट लिया है. बिस्मिल्लाह बस अच्छी बने, और आप लोगों को हम टेस्ट करके बताएंगे. पता नहीं मैं टेस्ट कर पाऊंगी या नहीं, बट जो भी है रिजल्ट या आउटपुट ज़रूर बताएंगे आपको, है ना सलमा. अभी फ्राइड ऑनियन. ओके यप ये तो मतलब इसकी खुशबू से ही अलग महक आ जाती है ना सलमा. ओके और कुछ ये. हाँ एक मिनट लास्ट डाल दीजिए, नहीं तो हो गया. ओके जितना चाहे आप नींबू का रस यूज कर. मैंने शायद 6 नींबू को जो है लिया था. हाँ 6 नींबू का था ये, छोटे वाले. हाँ छोटा साइज, मीडियम साइज था. ये देखिए अच्छे से मसाज आपको करनी पड़ेगी. और हाजिरा थोड़ा मुझे कलर भी डालिए, क्योंकि कलर चाहिए लग रहा है मुझे. ओके ओके श्योर. ये जो है हम पाउडर यूज करें सलमा, फूड कलर नहीं डालोंगे. ये वाला यूज करें, लिक्विड वाला. हाँ. नहीं ना. नहीं पूरा. ओह माय गॉड डाल दो. ओके कलर कलर व्हाट कलर, तो मुर्गी बेबी बोलेगी आई एम इन केस. अच्छे से जो हमने स्लिट्स मारे हैं ना हाजिरा, उसमें अच्छे से मसाला भरना पड़ेगा आपको. इससे क्या होगा, आपकी जो चिकन में जो टेंडरनेस और जो मसाले की वजह से आपको चिकन खाने में भी यम्मी लगेगा,
ये नहीं लगेगा कि हाँ अंदर मसाला नहीं है, वेट वेट कभी कभी हो जाता है ना, बिना पके लग जाता है। तो आप जब भी बना रहे हो तो अच्छे से मसाले को अच्छे से, जैसे छोटे बच्चे को नहलाते हैं वैसे नहला दीजिएगा मसाले में मुर्गे को आराम से। चलो बीबी, आज हम आपको एक क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल में ले जाएंगे मसाले वाले, और आपको स्विम कराते हैं बोल के आप अच्छे से स्विम करवा दो। अगर आपके पास अवन है ना हाजिरा, यस, अवन के अवन जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, जो हम लोग राइस इसी के दम देंगे ना वो इसके अंदर भर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा उनको वो फिर कभी एक दिन बनाएंगे, आज जो पॉट की बना रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया अच्छे से मालिश। आप यहाँ पे नमक भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी हम क्या करेंगे, जिस जो हमने ऑनियन फ्राई किया था उसी का कुकिंग ऑयल थोड़ा 4 से 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने ऑनियन को फ्राई किया था उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं, मैं थोड़ा 6 टेबलस्पून शायद गया है जीरा, है ना, तो काफ़ी है। इसको हम क्या करेंगे फ्रिज में रख देंगे, मिलते हैं सुबह में। सुबह में सीधे? हाँ, और इसको हम ढक रहे हैं, मिलते हैं कभी सलमा? अर्ली मॉर्निंग। ऐसे तैसे हमने जो है हमारे पॉट को सेट कर दिया है, तो हम इसको ढक रहे हैं और मिलते हैं सुबह। और ये देखिए यहाँ पे सलमा मेहंदी ट्राई करते हुए, क्योंकि हमें उतना अच्छे डिजाइंस आते नहीं है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग। सलमा अपना बताओ, इधर इधर रखो, पिल्लो पे रखो इधर, ये देखो। खैर कोई नहीं, एक्चुअली हम मेहंदी में उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना सलमा? तो सलमा तो एटलीस्ट ऐसे तैसे लगा लेती है। सलमा मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, है ना? आप पर ट्राई करूं? ओके, देखते हैं सलमा ने इसको एंड क्या करना सोचा है, क्या क्या डालेगी बताती हूँ। और ये देखें गाइस, एक कोशिश कहें एक एफर्ट्स कहें सलमा की तरफ से मेहंदी लगाने की, तो ज़रूर बताएं कि मैं मतलब रेड होने के बाद भी, मतलब निकालने के बाद भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़रूर बताना कि सलमा की कोशिश कैसी रही है। सलमा अपना हाथ रखो। देखो हाँ, ओके, सो मॉर्निंग भी शेयर करेंगे, है ना सलमा? और भी लगाना है आपको? अच्छा ठीक है, चलो। ये हो गई हमारी मेहंदी, और बज रहे हैं करीबन अब 12:46, मतलब 12:15, है ना? तो 12:15 बज रहा है, तो चले चलते हैं और मिलते हैं सुबह में। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अधा सबको मुबारक। ये हो गई ईद की सुबह आज। तो गाइस देखें, मैं एक बार मंजर दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा, वैसे तो हर सुबह हर दिन सुबह होती ही होती है बेशक, सुभान अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा हमेशा जो है ईद की सुबह स्पेशली वो एकदम से ख़ास होती है, मतलब हर बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। इंशाल्लाह अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि नमाज तक बारिश थम जाए इंशाल्लाह। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, दिन को रात, रात को दिन, धूप में बारिश, बारिश में धूप, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, जो अगर बारिश होनी है तो ज़रूर होगी, क्योंकि उसका कुदरत का कमाल है। तो देखते हैं, बस यही था। कितना हसीन लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? यस, बहुत अच्छा है। हाँ, और ये देखें, ये डिज़ाइन सलमा ने, सलमा का भी बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा हम आज क्या करेंगे, क्या पहनेंगे। तो देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम आज क्या क्या शूट कर सकते हैं, ओवरऑल रेसिपी के साथ थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस बोलते हैं ना, वो भी हम शूट करने की कोशिश करेंगे। तो माशाल्लाह, और जो बारिश की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
फिर से एक बार हम ज़िंदगी वही सफ़र नया, और हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को ईद उल अदहा की बहुत सारी मुबारकबाद। यहाँ लोग नमाज पढ़ाते हुए, और यहाँ पे हम अपना पानी, सुबह का जो है गर्म पानी, यस, सारी क्लीनिंग जो मेरी तरफ की होनी चाहिए वो सारी क्लीनिंग हो गई है। मैंने अभी लेमन के लिए फ्रिज ओपन किया है, और जो हमने मुर्गे मैरिनेशन के बेबी मुर्गे को रखा है ना, ओ माय गॉड, इतना अच्छे से स्मेल आ रहा है ना सच में, मज़ा आएगा। बताते हैं पूरी रेसिपी कंप्लीट करेंगे, और आपको सुनाई दे रहा होगा मस्जिदों में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अच्छे से सुनाई दे रहा होगा मस्जिदों में। पानी, गर्म पानी में हमेशा के लिए कंज्यूम करती हूँ, हमेशा के लिए, आई मीन एवरी मॉर्निंग मैं कंज्यूम करती हूँ। और ये देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई है, नमाज हो रही है, इतनी ठंडी हो रही है ना, बाप रे बाप, माशाल्लाह। और ये देखिए 9:30 बज चुके हैं, और हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं और सलमा। जब तक सलमा नीचे ना गिराए, सलमा का पेट नहीं भरता है। ये देखिए यम्मी सा जो है हम खीमे का चाकना, हम खीमे का चाकना बोलते हैं। तो ये देखिए हम जो है खीमे का जो है ग्रेवी, और आज का दिन ये खाते तो हम खीमे का हमेशा हैं, लेकिन आज का दिन जो है बहुत ख़ास होता है। और मैं चलते चलते और एक बात बता दूं आप लोगों को, और मैं कितना सही हूँ ये भी आप लोग ज़रूर बताएं मुझे, कि खीमा जैसे हम ईद उल फितर में खाते हैं, खजूर खा के नमाज जाना होता है, सुन्नत होती है, करेक्ट सलमा? तो यहाँ पर ईद उल अदहा में, ईद उल ज़ुहा, बकरीद में जो होती है, हमें जो है खीमा रोटी खाकर जाने के लिए नमाज के लिए, आप मतलब हम करते हैं ना यूजुअली। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुर्बानी का बकरा जो है खाकर, मतलब तुरंत देने के बाद वो नमाज के लिए जाते थे। लेकिन आजकल नहीं होता है, टाइम हो जाता है बहुत सा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो खीमा और रोटी, ये जो है ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप लोग क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये कितना मैंने सही कहा है आप लोग ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं इसको मिलती हूँ खाने के बाद, एक मिनट मैं खा के ही बताती हूँ आप लोगों को कि कैसा बना है, एक मिनट, बिस्मिल्लाह। अरे अरे अरे, नो नो नो, हाँ जी, चलिए बाय बाय, मैं एंजॉय करके मिलती हूँ, बहुत ज़बरदस्त थी अम्मी। और ये यहाँ पे डिज़र्ट की तैयारी करते हुए, क्या डिज़र्ट है, एनी गेसेस? लगा लिए होंगे आप लोग, बना के दिखाती हूँ। ये देखें बच्चे लोग अपने कल वाले कुर्बानी के बकरों को चराते हुए। और यहाँ पे चावल हमने यहाँ पे सोक कर लिया है, बासमती राइस है, इसको भी हमने सोक कर लिया है। यहाँ पे हमने शाहजीरा, जावित्री, 3 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, तेजपत्ता, और यहाँ पे सिनेमन स्टिक, नींबू, नमक, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ये सब हम पानी में, यहाँ पानी हमने ले लिया है, और इसमें सारा पानी में ऐड करेंगे, और जब तक पानी का उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको पकाएंगे, क्योंकि चावल को यहाँ पे हम सिर्फ 50% तक ही पकाएं, क्योंकि सारा चिकन में भी पकना है, तभी ये सारा आइटम इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाह, सारा आइटम चला जाएगा। चूल्हे को करेंगे ऑन, और इसी के साथ थोड़ा ऑयल भी जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ये सारा पक जाने के बाद, पानी अच्छे से जैसे ही पकेगा हम बताएंगे कि चावल को इसमें से 50% ही पकाना है, आपको भी बताएंगे कि 50% की कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो चलिए मिलते हैं पानी के उबाल आने के बाद। देखिए अच्छे से हमारा पानी यहाँ पे खौल रहा है, तो अभी क्या करेंगे, चावल को ऐड।
अभी इसको सिर्फ हम यहाँ पे 50% ही पकाना है, 90% जैसे हमने सूफियानी बिरयानी में किया था वैसे नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ 50% करना है। ये देखिए बेबी मुर्गी को हमने जो है कल मसाज के लिए रखा था और आज इसको निकाल लिया है, तो देखते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए ओवरनाइट मैरिनेट करने का एक फ़ायदा क्या होता है, एक तो ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्ती जो है मसालों की खुशबू छूट रही है ना सलमा, आ रही है ना? यस। और देखते हैं, और देखिए अच्छे से हर जगह अगर आप निकाल के भी देखेंगे तो मसाला अच्छे से लगा हुआ है, देखिए हर कटिंग में आप देखेंगे। यस। और हमने फ्रिज में यहाँ से रेफ्रिजरेटर से निकाल कर हमने यहाँ पे 10 मिनट पहले ही निकाल कर रख दिया है। हाँ, क्योंकि बहुत ठंडा फ्रीजर में नहीं रखा था। हाँ, डीफ्रोज काइंड ऑफ होने के लिए बाहर रखा था हमने। और देखिए अजय ना यहाँ पे हमारे ये 90% हो गए, अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं तो ये कच्चापन है ही, तो यहाँ यही पे हम क्या करेंगे, इसको हो गया हमारा ये 50% कुक होकर, तभी इसको चूल्हे को करेंगे बंद और इसको निकाल देंगे। और ये देखिए गरम गरम चावल जा रहे हैं हमारे डायरेक्ट चिकन पर। अच्छे से हमारी जो चिकन है उसको अच्छे से ढक देंगे। और यहाँ आप अपने हिसाब से चावल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़े कम ही चावल डाले हैं ना सलमा। हाँ, क्योंकि आज मुर्गी एंजॉय करेंगे बेबी मुर्गी को। और गैस मैं बता दूँ, हम लोग ना थोड़ी सी एक नैप लेने के लिए गए थे, शायद आपको मेरी आवाज़ भी वैसी आ रही होगी। मतलब कितने हैं सलमा, 10:30 बजे सोए क्या हम? 11। हाँ, ऐसे 10:30-11 बजे से सोए, ठीक अजा अल्लाह अकबर कह रहे थे, थैंकफुली उठ गए नमाज के लिए। नैप के चक्कर में लंबी वाली नैप हो गई। हाँ हाँ, तो अब खा के आराम से रेडी हो सकते हैं। और ये केसरी कलर वाला पानी ऊपर से, और ये ऊपर से जो है ऑयल डाल रहे हैं, जो जिन्हें घी डालना होगा वो घी भी डाल सकते हैं। यस। और कितने स्पून डाला सलमा आपने? 3 से 4 टेबल स्पून। ओके। और इसको ढकेंगे, अभी क्या करेंगे 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, 10 अगर आपका पतीला मोटा है तो 10 मिनट, अगर आपका पतीला मोटा नहीं है तो आपको 5 मिनट तक क्या करेंगे फुल आंच पे इसको रख देंगे। कभी टाइमर लगा दीजिए हाजिरा। ओके। और ये देखिए मैंने 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट के बाद नीचे तवा रख दिया है और तवे के ऊपर फिर एक 5 मिनट के लिए जो है तवे को अच्छे से गर्म होने तक रखेंगे। ये देखिए स्टार्टर के लिए सलमा जो है कबाब बना गए और काफ़ी यम्मी कबाब बने थे। और गैस ये एक बात तो बताना आपको भूल गए हम लोग, हमने 10 मिनट के लिए जो है चूल्हे पे डायरेक्टली रखा था, फिर उसको 10 मिनट होने के बाद उसको उतार के तेज़ आंच पे तवे को रखकर फिर जो है 30 मिनट्स के लिए है धीमे आंच पे हमने ये जो है पॉट को रखा था, फिर और 5 मिनट्स मतलब टोटल 35 मिनट्स जो है हमने इसको पॉट को चूल्हे पे रखा था, तो ये एक पार्ट थोड़ा मिस हो गया, सो सॉरी। ये एक बहुत मेहनत का काम होगा है ना सलमा। बिस्मिल्लाह। यस सलमा डिड इट। ये देखिए कितनी टेंडर जूसी हुई है। और हमारे चावल देखिए हाजिरा कितने कलरफुल लग रहे हैं, बहुत जबरदस्त बने हैं है ना, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं चिपके हैं, माशाल्लाह टेस्टी भी होगा ऐसे इंशाल्लाह, खा के बताते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट के साथ भी इसके इसको डेकोरेट कर सकते हो। ओके। और गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह हमारा दस्तरखान तैयार है। यस यस, घर वाले बहुत बेताब हो रहे हैं क्योंकि 4 बज गए हैं, तो मैं क्विकली बता देती हूँ। देखें जामुन, चाइना ग्रास, खिमामी सेवैयाँ, सलाद और बेबी मुर्गी की बिरयानी, और ये स्टार्टर में कबाब, नान,
और ये एज यूजल कचुम्बर या जो इसको क्या बोलते हैं सलमा, ये भी एक सलाद ही है, सलाद ही है पर हम तो कचुम्बर रायता कचुम्बर जो भी। और ये रहा हमारा यम्मी सा मटन वाला खोरमा। और कुछ सलमा बताना है? नहीं, पेप्सी। हाँ जी, पेप्सी, ठंडा पानी, माशाल्लाह गाइस से माशाल्लाह। और हर एक को अल्लाह ताला ये नेमतें से मालामाल करें, क्योंकि दोनों जहां की नेमतें चखना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह हम सबको ये नेमतों से मालामाल करे। कितना देखने में ही मस्त लग रहा है अभी। और अभी जल्दी जल्दी सबको बुलाते हैं और जल्दी जल्दी सबको टेस्ट करके पूछते हैं कि कैसा है, मैं फीडबैक आपको बताऊँगी। चलिए बाय, मिलते हैं। और ये देखें गाइस कितना जूसी चिकन बनाए, देखें आप माशाल्लाह। और ये हम अपना सारा जो है खाना ख़त्म करके हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना शुक्र करें कम है। बहुत 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 मज़ेदार बिरयानी बनी थी, बेबी बिरयानी। थैंक यू सो मच अल्लाह का। बस बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग प्लीज़ ट्राई करें और बताएं। मतलब ट्राई ज़रूर बनता है, लाइफ में ऐसी सब नेमतें खाना बनता है ना सलमा, है ना? तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चलिए मिलते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। थोड़ी बहुत हम ईद की झलकियाँ, मतलब सलमा अभी तैयारी की शुरुआत करें। चलो अब हम तैयार होके थोड़ा बहुत आपको बताते हैं कि हम कैसा तैयार हो रहे हैं। चलिए Here you go, ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। देखें पटियाला पैंट, काइंड ऑफ पंजाबी का, तो कुछ इस तरह का, मतलब थोड़ा हेवी ही वर्क है ये। अगेन इट्स अम्मीज चॉइस। और ये कुछ ज्वेलरी पहनूंगी मैं, हाथ का जो ब्रेसलेट है, काइंड ऑफ वो बैंगल्स हैं ये। और ये ईयर, सॉरी ये फिंगर रिंग डालूंगी। और ये ईयर रिंग कैसे हैं, ये तो मैंने दिखाया, अनबॉक्स किया था सेंस ऑफ सेल की तरफ से, तो ये वाला। तो देखें ये रहा मेरा ड्रेस, पहन के बताती हूँ गैस कैसा लगेगा। अब जल्दी जल्दी सलमा अभी नखरे कर रही है कि सलमा को हैवी नहीं पहनना है, कुछ कॉटन में पहनूंगी। तो देखते हैं सलमा क्या डिसाइड करती है, बताती हूँ सलमा का भी। तो फाइनली सलमा ने कभी हाँ कभी ना करते करते एक कॉटन ड्रेस अपने लिए निकाल लिया है। उसको हैवी बिल्कुल नहीं पहनना है क्योंकि शी इज़ वेरी एग्जॉस्टेड इन किचन। और ये सारे मैंने जो है ईयर रिंग्स के पेयर्स निकाल दिए हैं, लेट हर डिसाइड व्हाट टू वेयर। और ये एक फिंगर रिंग पहनेगी सलमा, जो बहुत सी ब्यूटीफुल, मेरी फेवरेट है ये, तो देखते हैं। और हाउ मेनी गर्ल्स लाइक सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ऑलमोस्ट आजकल तो हर लड़की का ये फेवरेट ट्रेंड बन गया है। आप भी बताएं कि किन किन को पसंद है, देखते हैं। एज यूजुअल सिंपल में भी बहुत हम लड़कियां ज़बरदस्त लगती हैं, तो सलमा भी ज़रूर अच्छी लगेंगी। मुझे लग रहा है मैं ही ज़्यादा हेवी पहन रही हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं तैयार होने के बाद। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। और देखिए जो भी मैंने ज्वेलरी निकाली थी ना वो नहीं पहना, मतलब वो मिसमैच हो रहा था, तो हमने कुछ और डाला हुआ है। ईद उल अधा तो था ही स्पेशल, और सबसे ख़ास भाई का बर्थडे था, तो भाई का बर्थडे ऑनलाइन सेलिब्रेट करते हुए हम लोग। गाइस ये वीडियो का हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत 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 अच्छी गई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी इसी तरह अपना जो है ईद का दिन इसी बेहतरीन तरीके से गुजारा है। तो गाइस हाँ, कुर्बानी को लेकर कुछ मसले हैं,
कुछ मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बकरा देने की तौफीक अता की है, जो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत और बहुत ख़ास चीज़ है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो हम नेगेटिव देखने से हम पॉजिटिविटी से देखें, पर जो भी है ये जो इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और सब कुछ बेहतर हो हमारे हक में। क्योंकि पता है ना, कुर्बानी का गोश्त मतलब सरमा कितना आता था, इमेजिन गाइस, इतना आता था, अभी बस इतना तो ये एक इंशाल्लाह हो जाएगा सब ठीक। तो वो एक हो गया। आई होप हमने एक छोटी सी कोशिश की है हमारा ईद का व्लॉग बनाने का, हमारी ज़िंदगी वही सफ़र नया की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। रेसिपी भी हमने शेयर की है, तो उसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत मैं बोल रही हूँ ना, अम्मी बोल रहे थे कि पता नहीं मैं खाऊँगी नहीं खाऊँगी करके, लेकिन उन्होंने इतना मज़ा किया ना, इतना एंजॉय किया, ज़बरदस्त थे, बहुत यम्मी बनी थी गाइस। और लास्ट में सलमा हमने ये नहीं शूट किया है ना, हमने तवे पे रख दिया था 30 मिनट्स के लिए, फिर एक 10 मिनट के लिए दम लगाए, फिर उसको निकाल दिए। 35 मिनट्स कम्प्लीट, टोटल 35 मिनट्स जो है हमने बस तवे पे दम रखा था, बस वो एक पार्ट शायद शूट करना स्किप हो गया। हाँ। तो वो एक था, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत बहुत वो, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम हर एक को, स्पेशली मैं अपने बारे में ही रख के बोलूँ, सलमा, हमारे घर वाले, हर एक के लिए मैं यही दुआ करूंगी। जिस तरह से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इस तरह की खुशियां देने पर, इसी तरह हम शुक्र बजा लाएं जब अल्लाह ताला हमें कुछ ना भी दे, तो अल्लाह ताला दोनों तरफ से हमें शुक्र बजा लाने की पूरी पूरी हमें तौफीक दे। आमीन सुमामीन। तो ढेरों सारी नियमतें आए, बस दिल बार बार दुआओं का जखीरा, मतलब हर एक के लिए दुआएं करने का दिल कर रहा है। सुबह से सलमा को पता है ना, सुबह मैं दुआएं दुआएं दुआएं, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने लिए दुआ कर रही हूँ, हर एक मोमिन मुसलमान बंदों के लिए, हर एक हम के लिए मैं जो है दुआ गो हूँ। तो प्लीज आप लोग भी जरूर हमारे हक में दुआएं करें। तो सलमा और कुछ कहना है एंड करने के लिए? हाँ, बस आप जरूर बताएं, हमारा ये छोटा सा लुक था जो हमने हमारे ईद पे पहना था, और सलमा ने तो वेरी सिंपल मतलब कॉटन का ड्रेस उठा लिया, तो एक्चुअली सलमा अच्छी, काफी अच्छी लग रही थी कंपेयर टू मी, तो वो भी अच्छे थे, घर में सारे मजे किए, सारे खुश थे, अम्मी भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहन भी अच्छी लग रही थी। और मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स डाला है, हमारे भाई का बर्थडे था, तो हमने हमारे भाई, वी मिस यू अ लॉट, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हुआ, तो एक छोटा सा हमने सेलिब्रेशन किया, बहुत बहुत है वो होता है ना इमोशनली, जब कोई दूर है तो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह का वो भी मोमेंट बन गया था, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बस केक सेलिब्रेशंस का वो एक गेम्स मैंने डाला हुआ है, तो वो एक था। ओवरऑल गाइस इट वाज अ ब्लास्ट, जैसी एक ईद हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने बेहतरीन ईद गुजारी। बस जो भी मैं बस दुआएं करती ही जाऊंगी, बस आप लोग आमीन आमीन कहते जाओ हर एक के लिए, ढेरों बेशुमार दुआएं। तो चलिए इसी के साथ, बहुत ज्यादा वी आर एग्जॉस्टेड है ना सलमा, yes. तो किचन में ही एग्जॉस्ट हो गई थी अभी तो, मतलब सब मतलब सुबह से कल रात से काम कर रहे हैं ना सलमा, yes. तो बहुत ज्यादा थक गए हैं हम लोग, अभी चलते हैं और भी थोड़ा काम है उसको निपटा कर हम सो जाते हैं। सबको शब्बा खैर, पता नहीं ये वीडियो कब आएगा, पर आई होप कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और इसी नोट के साथ हम दोनों यहाँ पर साइन आउट करते हैं, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और हमारा और मैं सलमा बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे, और हमें इसी तरह से अच्छे अच्छे चीज़ें जो है वीडियोज़ बनाने में हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। चलिए चलते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज़ मेहंदी कैसी बन लगाई है सलमा, अपना हाथ भी पकड़ लेना ऐसे ही सलमा की मेहंदी देख कर मुझे हंसी आ रही है, एटलीस्ट मेरी तो कुछ तो लगाई है सलमा ने। तो मेहंदी का डिज़ाइन भी गर्ल्स प्लीज बताना कैसा, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो बताना। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे लिए ढेरों दुआएं करेंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज गाइस, फिर एक बार ईद की ढेरों खूब मुबारकबाद।